हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। इस व्लॉग में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक माइक को। देखेंगे उस माइक में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इसे आप लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही और व्लॉग्स को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इस माइक में क्या क्या चीज़ें हैं। सो गाइस, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया हुआ है, और इसे मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद मुझे इस तरीके का एक डिब्बा देखने को मिलता है, और इसके ऊपर जो है गाइज ये लगा होता है पॉलीथीन का, तो इससे प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। ठीक है गाइज, तो ये है फाइनली हमारी माइक का डिब्बा। सो गाइज, इस माइक का जो नाम है वो है हैंड हेल्ड KTV, और गाइस इसका मॉडल नंबर है W5858। सो गाइस, यहाँ पे जो इंटरफेस के लिए, मतलब जो ये डिब्बे पे लगा होगा, वो तो गाइस इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन गाइस इसमें हमें बहुत सारे कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कलर का ऑप्शन मिलता है हमें कलर्स का। सो गाइस, पहला जो है गोल्ड कलर आप ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, रोज गोल्ड ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, पिंक। सो मैंने कौन सा लिया, मैंने ली है ब्लैक। और गाइज देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। तो गाइज इसमें आप कर सकते हैं सिंग सॉन्ग्स, सेल्फी ले सकते हैं आप, USB डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव वगैरह होती हैं, तो TF कार्ड यानी SD कार्ड आप लगा सकते हैं इसमें। और ये है रिकॉर्ड सॉन्ग्स, ठीक है, सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए ये है, ठीक है, इसमें आप सॉन्ग्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइज जो भी चीज़ें होंगी वो तो माइक के बॉक्स को ओपन करने के बाद ही पता चलेंगी। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो गाइज इसे हम ओपन करते हैं। सो यहाँ ओपन करने में आपको यहाँ पे मिल जाता है एक केबल, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। गाइज ये रिचार्जेबल माइक है। और उसके बाद यहाँ पे मिलता है ये, इसके गाइड दी हुई यहाँ पे कैसे इसे यूज करना है, कैसे क्या है। तो इस साइड में तो दूसरी लैंग्वेज में दिए हुए, और इस साइड में इंग्लिश। आप इसे पढ़ के देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या करना है। इसे हटाते हैं साइड में, हम देखते हैं अपने माइक को ओपन करके। सो गाइज फाइनली मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया, और यहाँ पे रही माइक। सो गाइज ये ब्लैक कलर की माइक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप और कलर्स में भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में ली है। सो गाइज यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे बटन वगैरह दी हुई हैं, कैसे इसे यूज करेंगे वो सब देखेंगे आगे, और इसे मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा। सो गाइज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको बटन देखने को मिल रही है, ये है प्रीवियस नेक्स्ट के लिए। सो गाइज मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसे ऑन करके कैसे ये ऑन होगी। सो यहाँ पे ऊपर आपको एक बटन देखने को मिलेगी, यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो मैं इसे दबाए रहता हूँ, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, इसे दबाया हूँ। The Bluetooth device is ready to pair. तो ऐसे इसके अंदर से आवाज़ आएगी, और ये ऑन हो चुका है गाइज। यहाँ पे आपको लाइट जलती हुई दिखेगी। सो यहाँ पे है प्रीवियस नेक्स्ट का ऑप्शन, ये किस लिए गाइज, ये है आपके सॉन्ग्स को प्रीवियस और नेक्स्ट करने के लिए। मतलब आप जब चिप लगाएंगे, कोई SD कार्ड लगाएंगे, या फिर ब्लूटूथ से अपने फोन इस माइक को कनेक्ट करेंगे, तो आपको जो सॉन्ग्स वगैरह हियर करने लगे, उसे आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। यहाँ से आगे स्कैन का ऑप्शन मिलता है, स्कैन का ऑप्शन में इसमें पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है। सो गाइज मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे क्या है। और यहाँ पे वॉल्यूम प्लस है और वॉल्यूम माइनस है, ये क्या कहते हैं, वॉल्यूम प्लस और माइनस करने के लिए माइक का। और यहाँ पे गाइस जो है माइक वॉल्यूम है, जिससे आप बोलेंगे तो वो तेज़ सुनाई देगा, और ऑन करे रहेंगे तो तेज रहेगा सुनाई देगा, और इसे ऑफ कर देंगे तो धीरे सुनाई देगा। यहाँ पे रिमिक्स है, इसे इको के लिए दिया गया है, इसे आप ऊपर करेंगे तो आपकी जो आवाज़ है वो इको में सुनाई देगी। तो गाइस चलिए इस माइक का देख लेते हैं यूज करके, कैसे हमें यूज करना है। चलिए इसे यूज करके दिखाता हूँ। सो गाइस पहले मैं देख लेता हूँ ये ऑन है कि नहीं। The Bluetooth device is ready to pair. सो गाइज इसे मैंने ऑन कर लिया, इसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसमें एक म्यूज़िक बजा के आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के लिए आप सिंपली ब्लूटूथ से कर सकते हैं, एक
मिनट में ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे W5858 तो इसमें बता देगा कि ये कनेक्ट हो चुकी है, इसमें से आवाज आएगी। ठीक है गाइस, तो ये हो चुका है कनेक्ट। अब मैं आपको बजा के दिखाता हूँ सॉन्ग, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसमें माइक का मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या है। सो गाइस, मैं बजाता हूँ सॉन्ग को। तो गाइस देख सकते हैं, गाइस यहां से आप इसे तेज कर सकते हैं। यहां से देखता हूं क्या होता है। तो गाइस इसे आप ऐसे चला सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सॉन्ग्स रिकॉर्ड कैसे होते हैं, या फिर मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। हेलो हेलो, एक मिनट गाइस। तो यहाँ से आप इसे ऑन कर लेंगे, उसके बाद आप जो भी बोलेंगे वो इसमें सुनाई देगा। तो मैं एक बार बोल के चेक करता हूँ। हेलो हेलो। तो गाइज यहाँ पे मैंने रिमिक्स वाला ऑप्शन ऑन किया है। तो रिमिक्स में क्या होता है कि वो होता है इको में आवाज़ सुने, इसे मैं ऑफ करता हूँ। अब मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। हेलो हेलो। अब तो गाइज ये आवाज़ है वो एक बार ही सुनाई दे रहा है, इसे मैं ऑन करता हूँ। हेलो हेलो। तो ये दो बार सुनाई दे रहा है, और यहाँ से आप इसे ऑफ कर देंगे और इसे भी ऑफ कर देंगे तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देंगी। हेलो हेलो कुछ नहीं सुनाई देगा। तो यही सब चीज़ें हैं, और यहाँ से आप इस सॉन्ग को नेक्स्ट और प्रीवियस में कर सकते हैं। और यहाँ पे स्कैन स्कैन की एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। इसे मैं दबाए रहा, मैं इस बोल के देखता हूँ। इसे ऑन करके बोलेंगे तभी आपकी माइक में आवाज़ सुनाई देगी। हेलो हेलो हेलो। इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई। हेलो 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 हेलो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं इसे ऑन करके देखता हूँ, इसे दबा के। हेलो हेलो हेलो। इसे ऑफ कर दो। तो गाइस मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसे फ़ोन से कनेक्ट करके आप इससे सॉन्ग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते फ़ोन में। गाइस अगर आप इसलिए ख़रीदें तो आप इसे बिल्कुल भी मत परचेज करिए। ठीक है गाइस, तो आप इसे फ़ोन से कनेक्ट करके सॉन्ग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, किसी भी ऑडियो रिकॉर्डर की मदद से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं फ़ोन में, अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड करना। और गाइस इसके साथ जो यहाँ पे मुझे एक मिली है, ये जो लीड है, ये गाइस ओनली चार्जिंग केबल, इसे और कुछ भी नहीं होने वाला है। और नीचे भी यहाँ पे गाइस आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि USB लगाने के लिए, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए भी आपको यहाँ पे एक दिया है ऊपर साइड में, और यहाँ पे नीचे ये चिप लगाने के लिए, और ये USB लगाने के लिए।